नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी बहुत ही बड़ा खुलासा। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर ओडा स्थित ब्रिज पर मुख्य आरोपियों को दोस्तों पकड़ लिया है और उन्होंने बताया कि दोस्तों हमने 2 बम लगाए थे लेकिन एक ही बम फटा है। पहले बम के धमाके विस्फोट के साथ पटरी पर लगाया दूसरा बम नीचे गिर गया था। वही दोस्तों, यह बम बनाने की कई महीनों से तैयारी कर रहा था और इसके लिए यूट्यूब पर कई बार वीडियो देखे और कई माइंस में काम भी किया है। जब उसे विश्वास हो गया कि बम बना सकते हैं तो उसने विस्फोटक खरीदने का प्लान बनाया और आसानी से विस्फोटक भी हासिल कर लिया। इसी बीच शुक्रवार को राजस्थान ATS SOG की टीम रेलवे ब्रिज पर विस्फोट की साजिश रचने वाले 3 आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर पहुंची है। बताया गया कि मुख्य आरोपित एक लिंगपुरा निवासी धूलचंद मीणा ही विस्फोट का मुख्य साजिशकर्ता है। वह कई महीनों से रेलवे ब्रिज पर विस्फोट की साजिश रच रहा था। बम बनाने के लिए उसने एक माइंस में काम किया था, वहां सीखा कि किस तरह विस्फोट को जोड़कर विस्फोट किया जाता है। YouTube पर भी दोस्तों कई बार देखा। जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने अपने परिवार के 2 अन्य सदस्यों को भी इस काम में जोड़ लिया था। 10वीं तक पढ़ा धूलचंद ने इसके बारे में विस्फोटक खरीदने के लिए अंकुश सुलहाका से मुलाकात की थी, जिसके बारे में पहले से ही वो जानता था। वहीं 2 बार में उसने जिलेटिन की 40 छड़े और विस्फोटक जोड़ने का वायर खरीदा। महज 2200 रुपये में उसे 2 बम बनाने का सामान मिल गया था। धूलचंद ने अंकुश से भी विस्फोट करने का तरीका जाना, लेकिन तब अंकुश को यह नहीं पता था कि वह रेलवे ब्रिज पर विस्फोट लगाने वाला है। उसके बाद उसने 2 बम तैयार किए और उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली यात्री गाड़ी गुजर गई। उसके बाद उसने रेलवे लाइन पर बम बिछा दिए। हाथ से बम में आग लगाने के दौरान उसके साथ के 2 आरोपित डर के मारे भाग गए थे। धूलचंद ने 2 बम एक दूसरे से वायर के जरिए जोड़ दिए थे। वहीं पहले बम में जब आग लगाई तो उसके विस्फोट करने से ही दूसरा बम रेलवे लाइन से छिटक कर बिना फूटे ही नीचे गिर गया था, जिसके टुकड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि यदि 2 बम एक साथ फटते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आरोपित धूलचंद ने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस रूट पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, उसके बाद से ही उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस अभी भी दोस्तों लगातार निगरानी कर रही है। आसपास के इलाकों में भी दोस्तों विस्फोटक पदार्थ ढूंढ रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसका मुख्य साजिशकर्ता दोस्तों धूलचंद मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आप दोस्तों नए नए खुलासे होने वाले हैं। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें।